हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ द टू मेजर थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में दो बड़ी थ्योरीज हैं। वन इज कॉल्ड द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन थ्योरीज में ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंसेज हैं, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। लाइक वन ऑफ द सिमिलैरिटीज इज कि ये दोनों थ्योरीज कैसी हैं, ये क्वांटम मैकेनिकल थ्योरीज हैं। सो व्हाट द फर्स्ट थिंग अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट्स ए क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। What does that mean? कि ये quantum mechanical theory है? It means that valence bond theory has been developed using the methods of quantum mechanics. ठीक है ना? जो quantum mechanics का complex mathematics involved होता है, उस सब को use करके इस theory को जो है develop किया गया है. But at this stage, we are not going to discuss that complex mathematics जिससे ये theory को develop किया गया है. ठीक है ना? हमारा approach qualitative होगा और non-mathematical होगा. अब ये जो दो बड़ी theories हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दे वर्क इंडिविजुअली, राइट? एंड इट्स नॉट लाइक वन थ्योरी इज बेटर देन द अदर। ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन्स मोर थिंग्स देन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बट इट्स नॉट लाइक यू, जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। दैट्स नॉट ट्रू। ठीक है ना? इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड केमिस्ट, इफ यू वॉन्ट टू बी वेरी गुड इन केमिकल बॉन्डिंग, देखो, टू बी अ गुड केमिस्ट यू शुड बी गुड इन केमिकल बॉन्डिंग, एंड इफ यू वॉन्ट टू बी गुड इन केमिकल बॉन्डिंग यू हैव टू बी गुड इन बोथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एज वेल एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो दैट दीज टू थ्योरीज आर लाइक टू टूल्स इन द हैंड्स ऑफ एन आर्टिस्ट। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कारपेंटर है, उस कारपेंटर के पास दो टूल्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज द सॉ, अनदर इज द हैमर। अगर उसके पास वो दोनों है, देन ही कैन डू ऑल हिज वर्क। ठीक है ना? मोस्ट ऑफ हिज वर्क। लेकिन अगर उन दो में से उसके पास एक की भी कमी है, तो शायद वो एक भी काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। दैट मींस, अगर आपके पास एक कारपेंटर है, उसके पास सा है, हैमर नहीं है, देन वो जो है उसके पास एक डेफिशिएंसी है, वो पूरा काम नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास हैमर है, सा नहीं है, स्टिल इज गॉट द डेफिशिएंसी, वो पूरा काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर आप एक केमिस्ट हो और आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं आती, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड केमिस्ट। इसी तरह अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं आती, स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड केमिस्ट। सो इन ऑर्डर टू बी अ गुड केमिस्ट यू हैव टू बी गुड इन केमिकल बॉन्डिंग, एंड टू बी गुड इन केमिकल बॉन्डिंग यू शुड नो बोथ द थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, बोथ द टू मेजर थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट? अब आप पूछ सकते हो, व्हाई डू वी नीड अ क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, या फिर हमारी लेवल पे जो आप कह रहे हैं कि हम मैथमेटिकली इसको अप्रोच नहीं करेंगे, तो हमारी लेवल पे हम क्या समझें कि एक थ्योरी एक क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है? देखो, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी में आप ये बात समझ सकते हो, इफ देयर इज अ थ्योरी दैट इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स और दैट कंसिडर्स द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सच ए थ्योरी विल बी नोन एज अ क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। आपके जो अभी तक की दो थ्योरीज हमने पढ़ी, लुईस ऑक्टेट थ्योरी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, क्या उनमें से किसी थ्योरी ने ऑर्बिटल की बात की? क्या उनमें से किसी थ्योरी ने आपके इंटरफ्रेंस की बात की? नहीं की। इसका मतलब है उन दोनों का अप्रोच जो था वो काफी हद तक क्लासिकल था। ठीक है ना? अब आपका जो लुईस ऑक्टेट थ्योरी है, क्या उसमें लिमिटेशन नहीं थे? उसमें बहुत सारे लिमिटेशन थे। हमने देखा कि उसमें एक मेजर लिमिटेशन ये भी था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री। उसमें ये भी इन लिमिटेशन था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस। उसने सिर्फ ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, सो दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स हर एक के वैलेंस शेल में आ जाए, हर एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है ना? लेकिन उसने नहीं बोला कि ये शेयरिंग एक्चुअली होती कैसे। फिर उसे पूछा गया कि आपके पास हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन है, इसका जो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है, दैट इज वेरी ह्यूज, 436 किलो जूल्स पर मोल, और इसका जो है इट इज जस्ट 158 किलो जूल्स पर मोल। तो उससे पूछा गया कि अगर ये दोनों सिंगल बॉन्ड्स हैं, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, दोनों में इसका एक, दोनों एटम्स का एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, देन व्हाई दीज टू आर हैविंग डिफरेंट स्टेबिलिटीज, डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज, इट कुड नॉट एक्सप्लेन। इसी तरह बहुत सारे और लिमिटेशंस थे, जैसे कि आपका जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट था या इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज था, वो सब एक्सप्लेन नहीं हो पाया इन टर्म्स ऑफ योर लुईस ऑक्टेट थ्योरी। आपका जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट बॉन्डिंग, ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है ना? स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करता है, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, लेकिन बॉन्डिंग के बारे में कुछ नहीं बताता।
देयरफॉर हमारे पास जो अभी तक की दो थ्योरीज हैं दोनों में डेफिशिएंसीज हैं, और दोनों में डेफिशिएंसीज के एक मेजर वजह ये है दैट दे हैव नॉट यूज्ड द क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, कि उन्होंने ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ही नहीं लाया। देखो व्हाट्स एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमने कहा कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। जब हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा तो वहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, ठीक है ना। जब आप कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। और ये इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप इतनी बात कर रहे हो देन यू हैव टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ द स्पेस वेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही बात कर रहे हो, तो फिर उस जगह के बारे में आपको बात करनी ही पड़ेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और उस जगह का नाम क्या है, ऑर्बिटल, ठीक है ना। एंड व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इज अ स्पेस, इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सो द वर्ड इज प्रोबेबिलिटी। जब आप वर्ड प्रोबेबिलिटी यूज करते हो यू आर यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना, क्योंकि आपके क्लासिकल में आपका जो बोहर का मॉडल था वो उसमें आप सर्टेनिटीज के साथ बता सकते थे मोमेंटम, एनर्जी, रेडियस, पोजिशन, सब कुछ साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। बट आफ्टर हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही कंप्लीटली रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ वेल डिफाइंड ट्रैक, वेल डिफाइंड ट्रैजेक्टरी फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद हमने बात की इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स, जैसे कि आप लोगों ने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले यूनिट में पढ़ा होगा, ठीक है ना। सो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल कंसिडर द ऑर्बिटल्स एंड इट विल कंसिडर द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे इस थ्योरी के क्या पॉइंट्स थे, क्या पॉस्टुलेट्स थे, ठीक है ना, क्या बताया इस थ्योरी ने। थ्योरी ने सबसे पहली बात जो बोली ये बोला कि बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है ना। जो लेविस का पहला जो है मेजर लिमिटेशन था वो ये था कि वो नहीं बता पा रहा था कि हाउ डज द बॉन्ड फॉर्मेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस, कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है। तो उसके लिए इस थ्योरी ने बताया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो पॉस्टुलेट नंबर वन है वो ये है दैट ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर ये दो मेरे खास ऑर्बिटल्स हैं एटम्स के, दो डिफरेंट एटम्स के, तो उनके ओवरलैप से बनेगा आपका एक कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दीज आर यूर पी ऑर्बिटल्स, तो या तो ये ऐसे ओवरलैप करें या फिर ये ऐसे ओवरलैप करें, ठीक है ना। दो तरीके होते हैं ओवरलैप के, उससे दो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं जिसका डिस्कशन हम अगले टॉपिक में ले लेंगे। अभी आप देखिए कि कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देयर मस्ट बी द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। सो ये कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे दो डिफरेंट एटम्स के। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, वैलेंस शेल के, ठीक है ना। तो आपके वैलेंस शेल के दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड होंगे, यानी कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और उनका स्पिन अपोजिट है, ठीक है ना। इफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस इज स्पिनिंग क्लॉकवाइज, द इलेक्ट्रॉन इन दिस इज स्पिनिंग एंटी क्लॉकवाइज, एंड दे विल अंडरगो ओवरलैप, ठीक है ना। जब ये ओवरलैप कर लेंगे तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो आ जाएगी दो न्यूक्लियस के बीच में, दो न्यूक्लियस के बीच में, एक न्यूक्लियस यहां पे है, दूसरा न्यूक्लियस यहां पे है। जैसे ओवरलैप होगा मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी बिटवीन द टू न्यूक्लियस, और जब ऐसा हो जाएगा ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इट विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल एक्सपीरियंस अट्रैक्शन फ्रॉम दीज टू न्यूक्लियस, ठीक है ना। और इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन गिव्स व्हाट, इट गिव्स स्टेबिलिटी, अट्रैक्शन मींस व्हाट, अट्रैक्शन मींस अ बॉन्ड। सो द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज ए केमिकल बॉन्ड बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके ओवरलैप करने से। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होने चाहिए, ठीक है ना। हाफ फिल्ड का मतलब इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और वो जो है अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। एक्चुअली ये दो चीजें हो सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट हम जो है आने वाले लेक्चर्स में सीख लेंगे, ठीक है ना। सो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज अ कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। तो ओवरलैपिंग के लिए क्या बोला उन्होंने, बोला कि अगर ओवरलैप करना है तो दो एटम्स को एक दूसरे के नजदीक आना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर एक एटम इधर है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे होगा, दूसरा एटम इधर है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर होगा। अगर इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को ओवरलैप करना है तो इनको एक दूसरे के नजदीक आना होगा कि नहीं होगा, आना होगा। तो यहां पे नए अट्रैक्शन और नए रिपल्शन जन्म लेंगे। लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। हम स्टार्ट करेंगे विद द सिंपलेस्ट वन, दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये एक हाइड्रोजन का एटम हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे कहीं भी हो सकते हैं, दिस इज 1s ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये दूसरा एटम है, ठीक है ना। जब ये दूर होंगे
एक दूसरे के से, तो देर आर ओनली टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे तो नए फोर्स जन्म लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए, अब क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपल करेगा, लेकिन ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस इस एटम का जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अट्रैक्ट करेगा। अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे ऐसे, ठीक है ना, क्लासिकली, तो हम बोलेंगे इसको अट्रैक्ट करेगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये अट्रैक्ट करेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक दूसरे को रिपल करेंगे, या फिर दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर एक टग ऑफ वॉर शुरू हो गया, यहां पे नए अट्रैक्शंस और नए रिपल्शंस सामने आ रहे हैं, रिपल्शंस भी नए हैं, अट्रैक्शंस भी नए हैं। रिपल्शंस किसके बीच में है, इंटर न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन, और दूसरा क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन दो डिफरेंट एटम्स के जब वो नजदीक आ रहे हैं। अट्रैक्शन कौन सा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए, और इन दोनों केसेस में इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। इस स्टेज पे बोला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, इफ अट्रैक्शंस डोमिनेट रिपल्शंस, अगर अट्रैक्शन का डोमिनेट हो गया रिपल्शन के ऊपर, ठीक है ना, तो ये नजदीक आएंगे कि दूर जाएंगे, ऑब्वियसली इफ अट्रैक्शंस आर डोमिनेटिंग देन दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर, व्हेन दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर देन दे विल ओवरलैप, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। ये कब हो जाएगा, when attractions will dominate repulsions, ठीक है ना। इस overlap में क्या हो जाएगा, electron densities का overlap हो जाएगा, the electron density most of it will be between the two nuclei, दो nuclei के बीच में electron density आ जाएगी and it will be a stabilizing condition, और इस तरह से bond बनेगा, ठीक है ना। तो क्या बोला valence bond theory ने, overlap of atomic orbitals होता है, उसके लिए क्या बोला कि दो atoms एक दूसरे के साथ interact करे, इसके लिए जरूरी है कि वो बहुत नजदीक आने चाहिए, जब वो बहुत नजदीक आएंगे तो नए अट्रैक्शंस और नए रिपल्शन जन्म लेंगे, अगर अट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड कम हुआ तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होंगे वो ओवरलैप कर लेंगे, ओवरलैपिंग के दौरान वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी कि वो बॉन्ड बना लेंगे। अनदर लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट थ्योरी वॉज कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज of different bonds, ठीक है ना, यानी कि अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है H2 में भी और F2 में भी, इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतना डिफरेंट क्यों है, ठीक है ना, why some bonds are strong while other bonds are weak when they are both single bonds, ठीक है ना, ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इसको बहुत ही आसानी के साथ एक्सप्लेन किया, बोला कि ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग काफी स्ट्रांग है, अगर ओवरलैपिंग काफी ज्यादा है तो बॉन्ड जो है वो काफी स्ट्रांग बनेगा, और अगर ओवरलैपिंग बहुत कम है, थोड़ा सा ओवरलैप हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो आपका जो बॉन्ड है वो वीक बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे लेंगे इन दो ऑर्बिटल्स को, और हम बोल रहे हैं कि ये एक दूसरे के नजदीक जब आए नया अट्रैक्शन नए रिपल्शन होंगे, ये ऑर्बिटल्स कैसे ऑर्बिटल्स होंगे, ये एटम्स के ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है ना, दो डिफरेंट एटम्स के वैलेंस ऑर्बिटल्स, तो फॉर द फॉर्मेशन टू टेक प्लेस व्हाट विल हैपन, द ओवरलैपिंग विल ऑर्बिटल, अभी ओवरलैप ऐसा भी हो सकता है, इट ओवरलैप इज जस्ट लाइक दिस कि थोड़ा सा ओवरलैप हुआ तो बॉन्ड वीक होगा, अगर थोड़ा और ज्यादा हुआ तो बॉन्ड मॉडरेटली स्ट्रांग होगा, अगर बहुत ओवरलैप हुआ तो बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, अगर ओवरलैप कम है तो आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक होगा, अगर ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है तो आपका जो बॉन्ड होगा वो काफी स्ट्रांग होगा, जिससे हमें ये पता चला इन केस ऑफ HH, ये जो हाइड्रोजन का वननेस है और दूसरा हाइड्रोजन का वननेस है, जब ये एक दूसरे के नजदीक आए होंगे उधर जो ओवरलैपिंग हुआ होगा वो एक्सटेंसिव हुआ होगा, काफी ज्यादा हुआ होगा, ठीक है ना, देयर विल बी एक्सटेंसिव ओवरलैपिंग, यानी कि बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हुआ जिसकी वजह से क्या हो गया, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। इन केस ऑफ फ्लोरीन, आपका जो फ्लोरीन है उसका 2pz हम मान लेते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे का भी 2pz है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था,
तो इधर जो ओवरलैप हुआ है वो बहुत कम हुआ है, कम ओवरलैप होने के कारण ये बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड बना है, समझो। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने अभी तक क्या क्या बोला, ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो जाएगा या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हाफ फिल्ड होंगे। ओवरलैपिंग से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दो न्यूक्लियर के बीच में वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। ये ओवरलैपिंग कैसे हो जाएगी कि जब दो एटम्स होंगे वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो नए अट्रैक्शंस और नए रिपल्शंस आएंगे। अगर अट्रैक्शंस ने डोमिनेट किया तो फिर ओवरलैपिंग विल टेक प्लेस एंड बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। उसके बाद उसने क्या बोला, आपका जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रांग होगा, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। अगर ओवरलैप ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, अगर ओवरलैप कम है तो बॉन्ड वीकर होगा, ठीक है। इस सबको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए वेरी सिंपल ग्राफ विच इज नोन एज लिनार्ट-जोन्स डायग्राम और लिनार्ट-जोन्स कर्व, और सिंपली मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी कर्व, और उससे भी सिंपली पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है ना। वो उसका नाम क्या, दैट्स नॉट मोर इम्पोर्टेंट, वो क्या दिखाता है, क्या समझाना चाहता है, दैट्स इम्पोर्टेंट। लेट अस ड्रॉ दैट ग्राफ। इसमें हम क्या प्लॉट करते हैं, इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी को लॉन्ग वाई एक्सिस को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इनिशियली आप क्या देखोगे, इनिशियली फॉर एग्जांपल आपके पास दो एटम्स हैं वो दूर हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो कुछ भी नहीं है, इस स्टेज पे हम मान के चलते हैं कि इनका जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी दैट इज जीरो, ठीक है ना। दैट विल कोइंसाइड विद दिस, ये कैसी कंडीशन है कि आपके जो दो एटम्स हैं वो काफी दूर है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का केस है, देन दिस इज अबाउट न्यूक्लियस एंड 1s ऑर्बिटल्स। जैसे जैसे नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हाई है यानी कि ये दूर है, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। अब हम इनको नजदीक ला रहे हैं यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम कर रहे हैं, एक स्टेज पे अट्रैक्शंस विल स्टार्ट डोमिनेट, ठीक है ना। इस पोटेंशियल में आप देखोगे एट हायर डिस्टेंसेज अट्रैक्शंस डोमिनेट रिपल्शंस, ठीक है ना। एंड एक्सट्रीमली स्मॉल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेज रिपल्शंस बिगिन टू डोमिनेट। तो देखो क्या हो जाता है नाउ, जब अट्रैक्शंस डोमिनेट करने लगते हैं व्हाट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो एनर्जी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड यू विल सी इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, कीप ऑन डिक्रीजिंग। कहां पे ये डिक्रीज हो रहा है, कि जो दो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप कर चुके हैं, ठीक है ना। अब दो न्यूक्लियर जो हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, इसका सेंटर भी न्यूक्लियस है, इसका सेंटर भी न्यूक्लियस है, ठीक है ना। जब ये दूर थे ऐसे करके, जब ये दूर थे तो एनर्जी हमने जीरो लिया, जब हम नजदीक ला रहे हैं, नजदीक ला रहे हैं, अट्रैक्शन डोमिनेटिंग रिपल्शन, एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। फिर कैसे कर्व चेंज होता है, कि एक टाइम पे ये मिनिमम पे पहुंचता है एंड ऑल ऑफ ए सडन अगर हमने फर्दर इन दो को एक दूसरे के नजदीक लाए, दो न्यूक्लियर को, तो अब एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है तेजी के साथ, ठीक है ना। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन जब ये दूर से एक दूसरे से, इनका जो एनर्जी था वो जीरो था, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंस्ट्रक्ट किया, नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, यहां से अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होने लगा, और डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है, ये और नजदीक आ रहे हैं, और डिक्रीज हो रहा है, और नजदीक आ रहे हैं, और डिक्रीज हो रहा है, और नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, नजदीक आ रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है। अब इस स्टेज पे ये मिनिमम पे पहुंचा है, इसके बाद अगर इन्होंने नजदीक आने की कोशिश की या ये नजदीक चले गए तो रिपल्शन बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं, तो ये नजदीक नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो जिस स्टेज पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा वही होगा बॉन्ड लेंथ, और जो एनर्जी डिक्रीज हुआ है दैट विल बी द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, समझ रहे हो, सिंपली बॉन्ड एनर्जी। लेट अस सी इट ऑन द ग्राफ। देखो अब ये जो डिस्टेंस है इस एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ, और मोर करेक्टली इट्स नोन एज इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। दिस इज अ बॉन्ड लेंथ, यहां से लेके अगर आप यहां पे ऐसे कर लोगे दिस इज बॉन्ड लेंथ, ठीक है, विच इज अराउंड 74 पिकोमीटर्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन।
ओके अब आप देखो एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई है, जीरो से स्टार्ट किया था ये, दिस विल बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी फॉर हाइड्रोजन, जो कितना है 436 किलोजूल्स पर मोल। ठीक है, यानी कि जब हाइड्रोजन का ये माइनस में वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हाइड्रोजन का बॉन्ड बना तो इतने किलोजूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुआ। अब इसका कंपैरिजन फ्लोरीन के साथ करते हैं। देखो फ्लोरीन के केस में भी विल स्टार्ट विद जीरो, ठीक है ना, हम थोड़ा नीचे स्टार्ट करेंगे जस्ट टू मेक इट डिफरेंट, विल स्टार्ट विद जीरो, विल स्टार्ट विद जीरो एंड नाउ दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग, व्हेन दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग द एनर्जी विल डिक्रीज, एनर्जी विल डिक्रीज, एनर्जी विल डिक्रीज, ठीक है ना। अब इस स्टेज पे अगर ये और नजदीक आ गए देन एनर्जी स्टार्ट्स टू इंक्रीज। तो यहां पे आप देख सकते हो इसमें जो पोटेंशियल वेल है वो उतना ज्यादा डीप नहीं है, और इसमें ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, व्हाट विल बी दिस कॉल्ड, दिस विल बी कॉल्ड एज दिस इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम फॉर दिस सिस्टम एंड देयरफॉर दिस इज द बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। और ये जो छोटा सा एनर्जी डिक्रीज है व्हाट इज दिस कॉल्ड, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इस कर्व से भी बहुत ही अच्छे से सिखाया है आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कि आपका जो F2 है उसका बॉन्ड एनर्जी कम क्यों है और H2 का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा क्यों है। यहाँ पे कम ओवरलैप हुआ, कम ओवरलैप होने के बाद जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतना सफिशियंटली कम हो गया कि अब यहाँ पे रिपल्शन स्टार्ट होने लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओवरलैप कम हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैप ज्यादा हो रहा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कंडीशंस ऑफ ओवरलैपिंग बताए कि ये ओवरलैप कब ज्यादा होगा और ये ओवरलैप कब होगा, ठीक है ना। तो बोला कि ओवरलैप होने के लिए जो कंडीशन नेसेसरी है दैट इज सिमेट्री, द टू ऑर्बिटल्स दैट ऑट टू ओवरलैप दे मस्ट बी हैविंग सेम सिमेट्री, ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम पी ऑर्बिटल्स को कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2px एंड देन दिस इज ऑल्सो 2px। हम सबको पता है 2px, 2py और 2pz में क्या फर्क है, ऑरियंटेशन का फर्क है। इफ दिस इज 2p, लेट अस कंसीडर दिस टू बी 2pz, दिस इज 2pz, दिस इज 2px एंड दिस इज 2py, ठीक है ना। तीन डिफरेंट डायरेक्शन, तीन डिफरेंट ओरियंटेशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज डबल्ड है, तो इनको बोला गया थ्री डिफरेंट पी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अगर इनका साइज सेम है देन दे आर ऑफ द सेम सबशेल, वो सब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि दिस इज PZ एंड दिस इज ऑल्सो PZ, देन दे कैन ओवरलैप क्योंकि इनका सिमेट्री सेम है। ये ऐसे भी ओवरलैप कर लेंगे और ये ऐसे भी ओवरलैप कर लेंगे, लेकिन अगर इनमें से एक 2PY है तो ना ये ऐसे ओवरलैप करेंगे। देखो ये जो बीच में आप देख रहे हो दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, ये नजदीक अगर आएंगे तो दो न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन बढ़ जाएगा, ये ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और ये बिल्कुल भी ना ये ऐसे ओवरलैप करने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है फिर दो न्यूक्लियस के बीच में नहीं आएगी। देखो एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि आपका जो सिमेट्री है दैट शुड बी मैचिंग सिमेट्री। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर सकता है, दैट मीन्स 2px कैन ओवरलैप विद 2px, 2py कैन ओवरलैप विद 2py, 2pz कैन ओवरलैप विद 2pz, ठीक है ना। 2px 2px के साथ ओवरलैप कर सकता है, 2py 2py के साथ ओवरलैप कर सकता है, 2pz 2pz के साथ ओवरलैप कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन 2pz 2px के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता, ठीक है ना, 2px 2py के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता, ठीक है ना। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैचिंग सिमेट्री। कौन कौन से ओवरलैप पॉसिबल है वो हम आगे भी देखने वाले हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी कि कब होगा ओवरलैप, ओवरलैप तब हो सकता है जब आपके जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी सिमेट्री सेम होगी। अगर आपसे पूछा जाए क्या एस और पी एक्स का ओवरलैप हो सकता है, दिस इज योर एस ऑर्बिटल विच इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, आप देख रहे हो कि इसमें एक नोड है, देयरफॉर दिस इज 2s, ठीक है ना, वन रेडियल नोड। तो एस का जो अपना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्फेरिकल होता है, ऑर्थो डायरेक्शनल होता है, तो पी कहीं से भी आके उसके साथ ओवरलैप कर सकता है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी एक्स हो, पी जेड हो या पी वाई हो, ठीक है ना, दिस इज स्फेरिकल, ठीक है ना, कोई भी इनमें से हो तो ये सब एस के साथ ओवरलैप कर सकते हैं बिकॉज एस इज हैविंग स्फेरिकल सिमेट्री। तो यहां पे हम बता रहे हैं कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग, कंडीशन ऑफ ओवरलैप क्या बोला गया, सेम सिमेट्री। सेम सिमेट्री में हमने क्या सीखा, एस और एस क्या ओवरलैप हो सकता, आंसर इज यस, एस तो स्फेरिकल है,
एस प्लस पी एक्स क्या हो सकता है आंसर इज यस, पी एक्स प्लस पी एक्स क्या हो सकता है आंसर इज यस, पी एक्स प्लस पी वाई क्या पी एक्स और पी वाई का ओवरलैप हो सकता है आंसर इज नो, पी वाई प्लस पी जेड क्या ओवरलैप हो सकता है आंसर इज नो, पी जेड एस क्या ओवरलैप हो सकता है आंसर इज यस, एस ओवरलैप टू ऑल ऑफ देम, पी जेड क्या ओवरलैप हो सकता है आंसर इज यस, ठीक है ना। दिस इज द कंडीशन दैट व्हेन द सिमेट्री इज सेम, व्हेन द सिमेट्री इज मैचिंग आप बोल सकते हो देन आपका जो ओवरलैप है वो हो जाएगा, अगर सिमेट्री मैचिंग नहीं है तो ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स विल नॉट टेक प्लेस। दूसरी बात जो है वो है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, कि ओवरलैप कितना होगा, ओवरलैप उतना ही ज्यादा होगा जितना एनर्जीज में या इन अदर वर्ड साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स में डिफरेंस कम होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक 2px एंड 2px, ठीक है ना, इनमें जो ओवरलैप होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इफ यू टेक, क्या आप गेस कर सकते हो ये कौन सा पी है, यू कैन सी देयर आर टू रेडियल नोड्स, ठीक है ना, टू रेडियल नोड्स हैं और हर एक पी में एक एंगुलर नोड होता है, टोटल नोड्स तीन है, तो इस क्वांटम नंबर में भी 3+1 4, तो दिस इज 4p, ठीक है ना, ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा है देन डोंट बॉदर, दिस इज अ बिगर ऑर्बिटल हैविंग हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। When it was 2 and 2, the overlap was more. ठीक है ना, दो और दो था तो ओवरलैप आप ट्राई देखिए कितना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। लेकिन when it is 2p and 4p और इनका ओरिएंटेशन सेम है 2px 4px, तो एक एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जो होगा वो बहुत कम होगा इन कंपेरिजन टू 2p 2p, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 3p लाएंगे, 3p और 2p के बीच में जो ओवरलैप होगा वो 2p 2p से कम होगा लेकिन 2p 4p से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि साइज में कितना डिफरेंस है, जितना ज्यादा साइज में डिफरेंस हो, साइज का डिफरेंस हम कैसे देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देख के, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स। जब आपके साइज में डिफरेंस कम होगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, अगर साइज सिमिलर है ओवरलैप जो है उसका एक्सटेंशन ज्यादा होगा, उसका ज्यादा एक्सटेंट होगा, वो ज्यादा मैग्नीट्यूड में होगा, बॉन्ड स्ट्रांग बनने की जो है वो वहां पे प्रोबेबिलिटी है। तो आप लिख सकते हो 2px ये ओवरलैप ज्यादा होगा देन 2px 3px और ये ज्यादा होगा देन 2px 4px, ठीक है ना। सो दिस इज योर कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग। इसी तरह आप ये बोल सकते हो कि 1s 2pz ये ज्यादा होगा देन 1s 3pz, दिस ओवरलैप विल बी स्ट्रॉन्गर देन 1s 4pz, this will be stronger than 1s 5pz. समझ रहे हो? तो आप देख रहे हो जितना जितना साइज बढ़ रहा है, साइज कैसे देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा, साइज बड़ा, साइज बड़ा ओवरलैपिंग कम हो जाता है, ठीक है ना। डिफरेंस जब बड़ा साइज के बीच में, ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, ये तो छोटा सा ऑर्बिटल है, ये वाला जब तक छोटा रहेगा तब तक ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, जब जब जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा ओवरलैपिंग कम हो जाएगा, ओवरलैपिंग कम होगा बॉन्ड वीकर हो गया, जैसे कि आपको पता भी है आपका एच एफ बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन एच सी एल विच इज स्ट्रॉन्गर देन एच बी आर विच इज स्ट्रॉन्गर देन एच आई। ये बॉन्ड कैसे बना, 1s 2p, ये बॉन्ड कैसे बना, 1s 3p 1s 4p 1s 5p, ठीक है ना। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंस इन साइज और डिफरेंस इन एनर्जी में, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ओवरलैप कम होगा, जितना डिफरेंस कम होगा और उतना ही ओवरलैप ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, उसने बोला जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं क्या वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, उसका आंसर बोला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने यस, इवन दे कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, लेकिन कैसे, फर्स्ट दे हैव टू एक्साइट द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिटल, कैसे चलो देखते हैं। लेट अस टेक द केस ऑफ कार्बन, कार्बन जो है इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 2s2 2p2, फॉर एग्जाम्पल दिस 2px दिस इज 2py एंड 2pz, ठीक है ना। तो आपने बोला 2s2 2p2, अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने ओवरलैप्स करेगा, ये सिर्फ दो करेगा। तो इससे पूछा गया क्या कार्बन हमेशा दो ही बॉन्ड्स बनाएगा, तो हम सबको पता है कार्बन चार बनाता है, बोला कि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है ना, ये जो ये ऑर्बिटल है जिसमें प्योर इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने ऐसा कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हायर ऑर्बिटल में डाल दिया, ठीक है ना, तो उस टाइम पे आपका जो है वो वैलेंसी एक्सपेंड हो जाएगा। देखो कैसे, हमने एक इलेक्ट्रॉन को जो 2s में था उसको एक्साइट किया, उसको एनर्जी दी, उसने एनर्जी अब्सॉर्ब की और वो 2p में चला गया, बिकॉज वी नो 2p की एनर्जी 2s से थोड़ी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं होती लेकिन थोड़ी ज्यादा होती। तो अब ये कंडीशन ऐसी हो गई, अब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 आ गए, कितने ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड आ गए, 4 आ गए, कितने ओवरलैप्स कर सकता है, 4, कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4। तो क्या बोला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, इलेक्ट्रॉन्स दैट आर पेयर्ड इन एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड, सॉरी दैट आर पेयर्ड इन एन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट कहलाता है, ठीक है ना, दोज इलेक्ट्रॉन्स कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इफ यू फर्स्ट एक्साइट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिटल, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट, दिस विल बी नोन एज एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, ए स्टेट ऑफ कार्बन इन विच केमिकल बॉन्डिंग विल टेक प्लेस। समझ रहे हो, इसको हम और समझने की कोशिश कर सकते हैं बाय यूजिंग द एग्जांपल ऑफ, फॉर एग्जांपल सल्फर। अगर आपसे पूछा जाए कि आप सल्फर का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप सबको पता है सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, तो इट विल बी 3s2 3p4, के केस में थर्ड वाले शेल में 3d भी होता है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं, किस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, दिस इज अ ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पेयर्ड हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर, ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग के अंदर, बट फर्स्ट यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू डू अनपेयरिंग, आपको इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा किसी हायर ऑर्बिटल में, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, उससे ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा, यहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसके बाद ये सारे ऑर्बिटल जो है बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो आप ऐसे अगर आपका सल्फर होता तो इसकी वैलेंस हमेशा 2 होती, ठीक है, जैसे आप ऑक्सीजन में देखते हो, क्योंकि उसमें डी नहीं है, जब डी नहीं है तो आप इसको एक्साइट कहां करोगे, ठीक है ना, आप इनको एक्साइट नहीं कर सकते आगे, जब एक्साइट नहीं कर सकते तो इसका उसके पास हमेशा 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 ही कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है ना। लेकिन सल्फर के केस में यहाँ पे 3d ऑर्बिटल्स जो है वो अवेलेबल हैं, जब अवेलेबल हैं तो आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकते हो। तो आपने फॉर एग्जांपल इन दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे एक्साइट किया, तो कौन सा स्टेट बनेगा सल्फर का, एक्साइटेड स्टेट। इस एक्साइटेड स्टेट में 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, क्योंकि 1 को आपने एक्साइट किया, दिस इज 3s, दिस इज 3p, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एक s से एक p से, टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि टोटल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कितने हो गए, वो 6 हो गए, जब 6 हो गए तो सल्फर 6 बॉन्ड्स बना सकता है, जैसे आप देखते हो इन SF से एक सल्फ्यूरिक एसिड एंड वेरियस कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, ठीक है ना, जैसे SO3 भी आप देख लेते हो। तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, किसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, फर्स्ट दे हैव टू बी एक्साइटेड टू द ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी, ठीक है। एक पॉइंट पे मैं फिर से थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप एंड देयरफॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है ये दो चीजों पे एक्चुअली डिपेंड करता है, वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, और दूसरा है डायरेक्शनलिटी ऑफ द ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना छोटा होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है कंडीशन 1s का ओवरलैप, जैसे कि पहले भी हम देख चुके हैं, 2p के साथ, 1s का ओवरलैप 3p के साथ, 1s का ओवरलैप 4p के साथ, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसमें सबसे कम है, इन इस कंडीशन में 1 और 2, इस कंडीशन में 1 और 3, इस कंडीशन में 1 और 4, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना कम होगा उतना ही बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा। सो लोअर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स दैट आर अंडरगोइंग ओवरलैपिंग, स्ट्रांगर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड, ठीक है ना, आपका बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग बनने के चांसेस है, ठीक है। इसी तरह आप ऐसे भी सोच सकते थे कि इफ दिस इज फॉर एग्जाम्पल योर
3p 3p, and this is 4p 4p, this is 5p 5p, ये तीन ओवरलैप्स है, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसके केस में कम है, 3p के केस में कम है, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कब बनेगा, 3p के केस में बनेगा। तो आप बोल सकते हो इस केस में 1s 2p stronger bond, then 1s 3p stronger bond, then 1s 4p, इस केस में 3p 3p stronger than 4p 4p stronger than 5p 5p, ठीक है ना। अब आप ये देख सकते हो कि दूसरा कंडीशन क्या है, जो दूसरा कंडीशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स कॉल्ड एज द डायरेक्शनलिटी ऑफ द ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में जितना डायरेक्शनल कंसंट्रेशन होगा आपके इलेक्ट्रॉन्स का, उतना ही बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है ना, क्योंकि उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियर के बीच में आ जाती है। अब कंसिडर करो एक एस और एक पी ऑर्बिटल को, यहाँ पे हमारे पास है एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल। इसका डायरेक्शनल क्या है, ये स्फेरिकल होता है, हर डायरेक्शन में होता है। अगर आप इसको ऐसे काटेंगे और यहां से भी काट लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ दो लोब्स बनेंगे, यानी कि ऐसा कुछ बचेगा। जब ये ऐसा बच जाएगा तो आप देख सकते हो कि अभी तक जो एस था उसका स्फेरिकल सिमेट्रिकल था, ऐसे था पूरा का पूरा गोल, ठीक है ना। उसमें से काफी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कंसंट्रेट हो गई है सिर्फ दो लोब्स के अंदर। अब जब ओवरलैप होगा तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वॉल्व होगी। अगर इन दो को भी काटा जाए बीच में और इसको चार लोब्स बनाए जाए तो अब जो कंसंट्रेशन होगा विद इन ए गिवन लोब वो और ज्यादा हो जाएगा, और जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ज्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ग्रेटर द डायरेक्शनलिटी ऑफ द ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गर इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड। तो इसको कैसे बोला जाता है कि आपका जो डायरेक्शनलिटी है इसका प्रॉपर्टी कैसा है, एस इज ऑर्थो डायरेक्शनल, पी के पास दो लोब्स होते हैं और डी के पास चार लोब्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स कौन से हैं, डी के ऑर्बिटल्स हैं। सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड लोब्स किसमें, डी में है, ठीक है ना, विद इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस केस में बनेगा, इन केस द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम, तो उसमें आप बोल सकते हो डी का पी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और वो पी से एस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा गिवन दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एक छोटी सी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास तीन लोब्स हैं, तीन ओवरलैप्स हैं, 2s 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 2p 2p 2p, this is 2s 2s overlap, this is 2s 2p overlap and this is 2p 2p overlap। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि p का जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो ज्यादा है, ठीक है ना, पी के लोब्स में जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एस से ज्यादा होता है। तो इन तीन में से ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किसकी है, ठीक है ना, यहाँ पे दो ही है, यहाँ पे डी इन्वॉल्व ही नहीं है, यहाँ पे पी और एस इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे दोनों साइड से पी है, यहाँ पे एक पी और एक एस है, यहाँ पे दोनों एस है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड क्या होगा इसमें, 2p 2p ग्रेटर देन 2p 2s या 2s 2p कर दो, एंड दिस विल बी अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन 2s 2s purely based on directionality, क्योंकि आप देख सकते हो कि इनमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम है। तो ये पॉइंट भी आपने नोट किया होगा, ठीक है ना। तो अपने अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कौन स्ट्रॉन्ग होता है, कौन वीक होता है, ऐसा क्यों होता है, दैट डिस्कशन फॉलोज नेक्स्ट, राइट। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।